एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, मियोसिस चैप्टर 10 क्लास 11 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ लिया था माइटोसिस पढ़ लिया था। देन अपन अब पढ़ेंगे मियोसिस। माइटोसिस क्या था? इक्वल डिवीजन। अब पढ़ेंगे अपन मियोसिस, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद कंप्लीट अ हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ये क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग से उनका मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो गैमेट्स बनते हैं तो वो कंप्लीट हैप्लोइड सेल, मतलब जो कंप्लीट हैप्लोइड मतलब एन क्रोमोसोम। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डाइप्लोइड सेल बाय सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड डॉटर सेल। मतलब ये क्या, जो गैमेट फॉर्म होते हैं वो डिप्लोइड सेल से होते हैं तो वो रिड्यूस करता है, मतलब 2n nn को रिड्यूस कर देता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हैप्लोइड डॉटर सेल्स होती है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इस काइंड के डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस एनश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड फेस इन द साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डाइप्लोइड फेज। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट जो डाइप्लोइड रहता है वो फोर डॉटर सेल्स को मतलब हैप्लोइड को फॉर्म करता है। मियोसिस में डबल डिवीजन होता है डिप्लोइड सेल का, जो फोर हैप्लोइड सेल फॉर्म करता है, यही बताया गया है। मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फॉर्म्स हैप्लोइड गैमेट्स। ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है जो हैप्लोइड गैमेट्स फॉर्म करता है। दे की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन सेल डिवीजन होता है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। जो मियोसिस वन होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो मियोसिस टू रहता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। रिडक्शन मतलब आधा आधा और इक्वल मतलब पूरा पूरा। बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पर इन दोनों में मियोसिस वन और मियोसिस टू में एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बार बार नहीं होता, सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। मियोसिस इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस। इट इज द एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन। ये रिडक्शनल डिवीजन है, मैंने बता चुकी हूँ, और ये फर्स्ट डिवीजन है जो मियोसिस का। मियोसिस पढ़ रहा है, मियोसिस में क्या है? मियोसिस वन है, मियोसिस टू है, मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन है और फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। अब मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इन रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। ये क्या होता है कि ये पेयर मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम को इन्वॉल्व करता है। होमोलोगस क्रोमोजोम कैसे? मतलब ऐसे पुराना बना था ना, ये ऐसे है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। देन इसमें क्या है, होमोलोगस का मतलब जो ये क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम से होता है। फोर हैप्लोइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस टू। मतलब जो एंड है मियोसिस टू, मियोसिस टू क्या है, इक्वल डिवीजन है, ठीक है। मियोसिस वन रिडक्शनल था और मियोसिस टू इक्वल डिवीजन है, तो उसमें क्या होता है, फोर हैप्लोइड सेल फॉर्म होती है, ठीक है। माइटोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेस: मियोसिस वन, प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, एनाफेस वन एंड टीलोफेस वन। एंड मियोसिस टू, प्रोफेस वन, मेटाफेस टू, मेटाफेस टू, एनाफेस टू एंड टीलोफेस टू। जो मतलब मियोसिस है, जिसको माइटोटिक टू भी बोला जाता है, माइटोटिक भी बोला जाता है, वो ग्रुप में अंडर होता है। जैसे मियोसिस फर्स्ट में, जैसे माइटोसिस में क्या हो रहा था, प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस, तो इसमें भी मियोसिस में क्या है, मियोसिस में क्या है, प्रोफेस, जो मियोसिस वन है उसमें प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, एनाफेस वन और टीलोफेस वन, और मियोसिस टू में प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड एंड टीलोफेस सेकंड। ये हो गया मियोसिस कंप्लीट। देन इसके बाद है ना, जो अपन लास्ट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।